गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चैनल में। रेलवे स्टेशन पर ही रहता है ये कुत्ता और इसके काम जान के रेल मंत्रालय भी काफी ज्यादा हैरान हो गया है और जनता भी काफी ज्यादा हैरान हुई जा रही है और सोशल मीडिया पे इस कुत्ते का नाम तहलका मचा रहा है, इसके काम तहलके मचा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या ये कारनामा कर दिया है इस कुत्ते ने रेलवे स्टेशन में। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये मामला हमारे सामने तमिलनाडु के पार्क टाउन रेलवे स्टेशन से आ रहा है, जहां पर अचानक से ही एक आवारा कुत्ता देखा जा रहा है। और ये आवारा कुत्ता इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसका जो मालिक था वो इसको कुछ दिन पहले छोड़ गया था, पर रेलवे स्टेशन में नहीं, रेलवे स्टेशन से बाहर छोड़ गया था। और उस दौरान ये भटकते भटकते रेलवे स्टेशन पे आ गया और वहां पर प्लेटफॉर्म पे बैठ गया और धीरे धीरे इसने आरपीएफ की जो वहां की पुलिस होती है, जो वहां के जवान होते हैं, उनको काम करते हुए देखा, वो किस तरीके से काम करते हैं और वो लोग एक्चुअली किन लोगों को डांटते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर आप लोग अपना मतलब कि टाइम बचाने के लिए अगर वो ये सब चीजें क्रॉस कर रही हैं, अगर रेलवे लाइंस ऐसे ही क्रॉस कर रही हैं, तब उस दौरान आपको वहां पर खड़ी हुई जो पुलिस होती है वो आपको रोकती है और आपकी सुविधा के लिए वहां पर ब्रिज बने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रिज को यूज नहीं करते हैं, वो अपनी जान को विपदा में डालते हैं। यही सब चीजें पुलिस वाले भी वहां पर करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं और चलती हुई गाड़ी में ना चढ़िए ये सब चीजें बताते रहते हैं। जो भी वो उल्लंघन करते हैं उनके बारे में उनको समाचार देते हैं, उनको बताते हैं कि ये सब चीजें आप उल्लंघन ना कीजिए और सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदारी है। हर वक्त आप ये सब चीजें सुनते रहते हैं, पर ये काम है आरपीएफ का, वहां की पुलिस का, पर ये काम एक्चुअली वहां पर आया हुआ एक कुत्ता कर रहा है जिसको उसके मालिक ने छोड़ दिया था और उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो प्लेटफॉर्म पे बैठता है और आरपीएफ की पुलिस की मदद करता है और अगर कोई चलती हुई ट्रेन में चढ़ता है तब उसके ऊपर भौंकता है और उसको बताता है कि उसको नहीं चढ़ना है। अगर वो कोई रेलवे क्रॉस लाइन क्रॉस करता है तब उसके ऊपर भौंकता है और उसको बताता है कि वो ये सब चीजें ना करे। ये सब चीजें करते हुए जो आम यात्री वहां पर रेगुलरली वो लोग करते हैं यात्रा, उनसे जब बात की गई तब उन्होंने बोला कि ऐसा कुत्ता हमने कभी नहीं देखा, जो कि उसकी जान के लिए उसके मालिक ने उसको दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया था और ये जो कुत्ता है यहाँ पर आके करोड़ों लोगों की जान बचा रहा है। और हम में इतना ज्यादा दिमाग नहीं है और हम में से कुछ लोगों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं है जो कि ये सब सुविधाओं जो दी गई है रेलवे की तरफ से उसका वो लुफ्त उठा पाए। वो लोग सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए ये सब चीजें करते हैं और कभी कभार उनकी जान भी विपदा में आ जाती है। और ये जो जानवर है इसके पास कितना ज्यादा दिमाग है कि वो हमें सिखा रहा है कि ये सब चीजें ना करे। ये अभी इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि रेल मंत्रालय भी काफी ज्यादा हैरान किया हुआ है उसने कुत्ते ने कि ये सब चीजें हो क्या रही है, इतना इंटेलिजेंट कुत्ता कैसे हो सकता है। अभी वहां की आरपीएफ ने इस कुत्ते को अपने साथ रख लिया है और वो लोग इससे काम लेते हैं और ये वहां का काम बखूबी संभालता है और करता भी है। आई होप गाइस इस कुत्ते के बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा कि आजकल की दुनिया में जहां पर इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया है वहां पर कुत्ते को सिर्फ जानवर बोला जाता है, पर आजकल एक्चुअली कुत्ता ऐसे काम करके दिखा रहा है जो कि इंसान को करने चाहिए थे। आप क्या बोलना चाहेंगे इस कुत्ते के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।